एक बार फिर उग्रवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने हरियाणा के अंबाला सहित 35 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। ये धमकी जगाधरी रेलवे स्टेशन को साधारण डाक से मिली। इसी को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी व आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर बनी पार्किंग में भी चेकिंग की व पार्किंग में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि आज जगाधरी रेलवे स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें अंबाला जगाधरी कुरुक्षेत्र पानीपत व करनाल को उड़ाने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि ये पत्र लश्कर ए तैयबा की ओर से मिला है। उसी को लेकर अंबाला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर चेकिंग के बाद पार्किंग में भी चेकिंग की है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए हैं कि बिना आधार कार्ड कोई वाहन ना खड़ा करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के पत्र पहले भी मिल चुके हैं, जिसमें अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे इसे सीरियस लेते हुए स्टेशन पर चेकिंग कर रहे हैं। वे ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अभी त्योहारों का भी मौसम है, इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाना जगाधरी में मैसेज प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्य तौबा तो दिया गया है उसमें अंबाला कैंट जगाधरी कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा ये ज्वाइंट चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि त्यौहार के सीजन में यात्री सुरक्षित घर जाएँ और हरदम हम उनकी सेवा में समर्थ रहें। किस संख्या को लेकर ये लक्ष्य तौबा दर्ज दी गई है? लक्ष्य तौबा ये जम्मू कश्मीर का संगठन है और पाकिस्तान से फिट होता है। उसने धमकी दी है कि हम स्टेशन उड़ा देंगे बम से। नहीं, हमें तो स्टेशन ठीक नहीं मालूम हमें इस बात के बारे में, क्योंकि केस रजिस्टर वहाँ हुआ है जगाधरी थाने में, जितना हमें मालूम है। आप उतना वर्क करें, चेकिंग जारी रहेगी लगातार दोनों वक्त सुबह शाम, और जीआरपी आरपीएफ इसमें सहयोग आपस में कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। स्टेशन पीएफ नंबर एक और ये विजिटर्स काउंटर बाहर चेकिंग की गई और कार पार्किंग चेक की गई, और खेदार हिदायत दी कि भाई कोई भी गाड़ी आप खड़ी करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, उस मालिक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है और प्लस मोबाइल नंबर। जो गाड़ी जिस टाइम आती है उस टाइम को एंट्री करो और जाते टाइम की एंट्री करो, और सुरक्षा के मद्देनजर जो मध्य गेट है इसको बंद करने बारे अफसरों को कहा गया है, क्योंकि हालात जो इस टाइम हैं वो नाजुक है। कोई ट्रेस हुआ इसमें? पहले भी लेटर आए हैं, 3 बार पहले आ चुके हैं, पर उसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि ये लेटर कोई भी एड्रेस नहीं होता उनके ऊपर, डाक खाने जाते हैं तो वहाँ तक गुमनाम ही होते हैं। क्या लगता है आपको, हो सकता है कि सर तक तो हो कोई, पर फिर भी हम इस पर सुरक्षा से हम खो खिलवाड़ नहीं कर सकते, कि यात्री पहले सुरक्षित है और हमें अपनी नौकरी करनी है। यात्रियों को हमें यात्रियों का है कि कोई लावारिस सामान मिले उसको ना छुएं, किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं, और जो सामान दिखाए लावारिस जीआरपी आरपी बताएं कि भाई ये लावारिस सामान है, डाके उड़ाके लेके यात्रा ना करें, कि त्यौहार का सीजन है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।